सिक्किम बॉर्डर पे बहुत ही भीषण बर्फबारी होती है। कुछ दिन पहले एक चाइनीज चचा घुस गया था उसमें। हमारी फौज इंसानियत दिखाते हुए इन चाइनीज को क्या कर दी, वापस कर दी। अब पता चलता है कि ये चट्टे जानबूझ के घुसे थे सब। हम तो भारतीय सेना को भी कहते हैं कि हाँ भैया आप एक को एक काम कीजिए, जब भी कोई चाइनीज नारियल छोड़ा गरी सब शकल वाला दिखाई दे सब, तो आप बोलिए ही नहीं कि कोई चाइनीज पकड़ा गया है। उन सबको सिंपल तरीके आप धो के बर्फ में गाड़ दीजिए, साला का दो तीन दिन बाद निकालिए, कहिए कि एक चाइनीज छोड़ा आया था दब के मर गया, हम क्या करें, बर्फ हमारी घरे थोड़े पड़ता है यही, नहीं तो आप पकड़ लेंगे। हम लोग लोकतंत्र वाले हैं, हम लोग में भी एक ये है कि हम लोग कानून के हिसाब से ही कोई काम करते हैं, लेकिन ये जवाब जरूरी है वरना उन लोग का सारा रास्ता भटकना भुला जाएगा। भारत में लोगों को मास्क लगाने में दिक्कत होती थी, जिन जिन लोगों को 1000-2000 फाइन लगाए ना कोई दिक्कत नहीं होती है, तो चाइनीज लोग भी बहुत ज्यादा रास्ता भटकते हैं। जिस दिन 2-4 साल हरामी ये लोग बर्फ में गड़ा जाएंगे ना, उसके बाद इन लोग का रास्ता भटकना भूल जाएगा। इनकी शक्ल साले जिस तरह से ये खाना खाते हैं उस तरह से तो इनकी शक्ल अच्छी ही है, मगरमच्छ खाया होगा ये साला पता नहीं क्या खाया है, बंदर खा गया होगा ये, तो जैसा खाएंगे वैसे ही आपका शक्ल होगा, वैसे ही आपकी अकल होगी।